ससुर साक्षात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, जिनके इंद्र के यहाँ आना जाना है। पति पति भी कोई ऐरा गहरा नहीं। रामचंद्र पति सो पे सोवत मही, देखो आज जमीन पे सो रही है। विधि पामुन के ही विधाता है, जिसको जो दिखाना चाहता है वो दिखा ही देता है। माता पार्वती यही सिखा रही है माता मैना को। तब तक नारद जी पीछे से आए, उन्होंने कहा ऐसा है माता, अब ज्यादा दुखी मत हो, अब अभी तक जो हमने कहा वो सब भूलो, अब सत्य अब हम कह रहे हैं। कहा क्या? बोले मैना सत्य सुनो मम बानी कि जगदम्बा तो सुता भवानी। बेटी बेटी मत समझो, आपकी बेटी जगदम्बा है। और माताओं बंधुओं, यहाँ हर माता और हर माता की बेटी भी जगदम्बा स्वरूप ही है, उतना ही उसका सम्मान करिए, उतना ही ख्याल करिए। केवल नवरात्रि का समय नहीं है वो, जगदम्बा तो सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। पूरी कथा बता रहे हैं। नाम सती सुंदर तनु पाई तहई सती शंकर ही विवाही। तो कहा ये आपको कैसे मालूम? तो नारद जी ने कहा ये हमको नहीं, ये आपके अलावा सबको मालूम है। कहा हमको क्यों नहीं मालूम? कहा इसलिए नहीं मालूम क्योंकि सास बहू का सीरियल छोड़कर थोड़ा समाचार भी देख लिया करिए। हमारी माताएं समाचार तो देखती नहीं है, 8 बजे केवल, लेकिन आप लोग देखती हैं। इस मंच से इस पंडाल के बाहर के लिए कह रहा हूँ, कही कथा संसार हित, ये संसार की माताओं के लिए कह रहा हूँ। कहा क्या मतलब? कहा सारे समाचार में आ गया है कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, सबको मालूम है केवल आपको छोड़ के। तो सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मह व्यापे सकल पुर घर घर यह संवाद। फिर से बारात सजने लग गई, फिर से लोग प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा ऐसा है, अभी आप आपके मन से तैयार हुए, अब आप हमारे मन से तैयार हो गए, आपको हम बनाएंगे। तो क्या बनाया? बोले सिंहासन अति दिव्य सुहावा और जाय न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रहि सिरुनाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। और वेद मंत्र मुनि पर उचरही जय 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 शंकर सुर करही, तो हर गिर जा कर भय पिबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। माताओं बंधुओं, इस प्रकार महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। जब माता पार्वती को हिमालय ने विदा किया, तो ये भी सूत्र है ध्यान दीजिएगा, विदा किया तो ये नहीं कहा जो आज कहा जाता है 90% घरों में कहा जाता है कि ऐसा है कि हमारी बेटी चाहेगी तो नौकरी करेगी और चाहेगी तो वो अपने हिसाब से रहेगी। और बेटी से कहते हैं कि बेटी देखो ऐसा है, कोई भी समस्या हो तो फोन कर देना, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात आए तो हमें बता देना। भाई भाई कहता है हमारी बहनें बड़े लाल प्यार से पा रहा है, ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? कहा कि नाथ उमा मम प्राण सम, उमा मेरे प्राणों से प्यारी है, उसको सबसे ज्यादा प्यारी है तुम्हारे होने का। हम क्या करें? बोले ग्रह किंकरी करे हो, आप तो ग्रह किंकरी बना के रखना, अपनी दासी बना के रखना। तो आप लोग कहेंगे महाराज जी हमारी माताएं कहेंगी, क्योंकि सबको संशय होता है, यही कहेंगे महाराज जी हमारी यही इज्जत है, हम लोग ग्रह किंकरी है क्या? ऐसा कहा हमारे लिए हिमालय जी ने? बस यही सूत्र समझ लीजिए। माताओं बंधुओं, आप विवाह करके जब जा रहे हैं अपने ससुराल में, तो प्रेम और सम्मान बिना समर्पण के नहीं मिल पाता। प्रीति प्रणय बिनु आपको पहले समर्पण दिखाना पड़ेगा। आप नहीं गई है सेवा करके लोगों के मन में, आपको हृदय में जगह बनानी पड़ेगी। 498 के डर से, 498 समझती है माता है?
अब वो तो समझती होंगी और कोई ना समझे ना समझती हो बता दो, दहेज एक्ट जिसे कहते हैं। तो दहेज एक्ट के दम पर या 498 के दम पर आप सोचें, डंडे के जोर पर सोचें कि हम ससुराल में सम्मान पा जाएंगे और चाबी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होना। पहले सेवा करिए, सासू माता की सेवा करिए, ससुर जी की सेवा करिए, फिर वही चाबी भी आपको देंगे और मालकिन भी आपको बनाएंगे। क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न भर देव। और माताओं बंधुओं, महादेव चाहे भूत लगाते रहे हो, चाहे शमशान में बैठे रहते हो, माता पार्वती का इतना ख्याल रखा है उन्होंने कि आज भी जब कोई भी आशीर्वाद देता है ना, तो कहता है पार्वती संपति प्रिय हो, देवी न छाड़ब हम पर छो। ऐसे प्रिय आप हो जैसे महादेव अपनी पत्नी को प्रेम करते थे, उतने ही आपके पति भी आपको प्रेम करें। ऐसा माता पार्वती और महादेव का विवाह, श्रद्धा और विश्वास का संबंध आज हम लोगों ने स्थापित किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धेय स्वामी विद्याधरी जी महाराज की जय हो, समस्त संत गणों की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रथम तो तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ माता गंगा की गोद में बैठ करके श्री राम कथा की चर्चा श्रवण कर पा रहे हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। खैर, प्रसंग पे तो हम आएंगे। अभी देख रहा था मैं कि सहगल साहब सबको थोड़ा थोड़ा आगे कर रहे थे, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाएं आगे, और उसमें संकोच मत करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, राम कथा में, सत्संग में व्यक्ति को सदैव आगे होके बैठना चाहिए, आगे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सुनाने वाले संत की निगाह आप पर पड़ जाएगी, तो जितने आगे हो सकते हैं। और नेता की भीड़ में सदैव पीछे रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। क्या बात है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस ताली बजा दिया आपने। पहले मैं बता तो दूं कि क्यों खड़े होना चाहिए पीछे। देखिए, राम कथा में तो आगे इसलिए रहना चाहिए कि संत की निगाह पड़ जाए, और नेता की भीड़ में, नेता के भाषण में इसलिए पीछे रहना चाहिए कि न जाने कब लाठी डंडे पड़ जाए, न जाने कौन सा भाषण में क्या कह दे, तो पीछे से भागने का मौका तो मिले, नहीं तो आगे कचर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करिए। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री देवेंद्रानंदगिरी जी महाराज, समस्त हमारे संगीत पर विराजमान आचार्यगण विद्वजन बहुत सुंदर नवान परायण का पाठ कर रहे हैं। अभी बड़ी सुंदर पद जाके प्रिय राम वैदेही, त
तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। विनय पत्रिका का पद सुना रहे थे, बहुत सेवा कर रहे हैं आपकी यहाँ पर। हमारे बनारस से पधारे परम आदरणीय श्री अंशु लगरवाल सर, डायरेक्टर टेक्निकल आरसी पांडे जी तो यहाँ हमारे साथ हैं ही, सपत्नी पधारे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, आरवी पांडे जी हमारे परम प्रिय, ओपी पांडे जी, अवधेश मिश्रा जी, आप सब दिल्ली से पधारे हुए महाराष्ट्र के परम शिष्य परम स्नेही हमारे, कुछ राम मिश्रा जी और सब राकेश जी बैठे हैं ये लोग। खैर आइए, विकास जी उज्जैन से आए। कल हम लोगों ने चर्चा की महादेव और माता पार्वती का विवाह हो गया, इसके आगे से हम लोग प्रसंग देखते हैं। माताओं बंधुओं, जब भी एक कन्या विवाह करके जाती है ना अपने ससुराल, तो तब तो धर्म पत्नी हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि जब कोई कन्या विवाह करके जाती है अपने ससुराल, कई प्रश्न होते हैं मन में। नया नया ससुराल है, सास ससुर, देवर, देवर नंद ननंद देवरानी, सबके विषय में कई प्रश्न रहते हैं। और पत्नी सोचती है कि जब थोड़ा सा अपनापन हो जाए पति देव से, तब जाकर के मैं उनसे अपने प्रश्न पूछूं कि भाई जो जो उसके मन में, पत्नी के मन में संदेह रहता है वो सब पूछती हैं। माता पार्वती भी भगवान शंकर से प्रश्न करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। तो पत्नी कब प्रश्न करती है? पत्नी जब प्रश्न करती है जब देखती है कि हमारे पति देव शांत मुद्रा में तो हैं, कहीं कोई माइंड तो डिस्टर्ब नहीं है अभी उनका, पता लगा गुस्से में बैठे हो, किसी झगड़ के आए हो और हम प्रश्न करते हैं सारा गुस्सा हम पे निकल जाए। तो क्या देखती है माता पार्वती? देख रही हैं कि बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। आज महादेव शांत बैठे हुए, शांत मुद्रा में रिलैक्स है जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। वाह, माता पार्वती पहुंच गई। माताओं बंधुओं, एक कन्या जब जाती है पति से प्रश्न करने, तो मैं 80% कन्याओं की बात कर रहा हूं, 20% की नहीं कर रहा हूं, 80%। उसके मन में क्या प्रश्न रहता है जानते हैं अपने पति देव से ससुराल में जाके? उसके मन में प्रश्न रहता है कि हे स्वामी, जब अपनापन होता है तभी पूछती, पहले नहीं पूछती, पूछती है हे स्वामी आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका जमीन जायदाद में हिस्सा कितना है, क्या आप भी उतना ही कमाते हैं जितना छोटा भाई कमाता है, या ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा कमाते हो और छोटे वाले कम कमाते हो, और देवर जी भी पनीर खा रहे हो आपके साथ, माने खर्चा करने में दोनों बराबर हो। यदि ऐसी बात है तो भाई जितनी कमाई होगी उस हिसाब से खर्चा होना चाहिए, हमारे भी बच्चे आगे होने हैं, हमारी भी व्यवस्था चलनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने आपको जो जमीन जायदाद लिख दी हो वो कहीं गांव खेड़े की लिख दी हो, और जो दूसरे देवर जी हैं उनको बीच शहर में कहीं पे जमीन दे दी हो, ऐसा तो नहीं है? या हो तो मैं 80% महिलाओं की बात कर रहा हूं, उनके मन में ऐसे ही कुछ ना कुछ विचार होते हैं। 20% जिनके मन में विचार नहीं होते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं शिविर में, वरना आप लोग सोचे कि वाह महाराज जी ऐसी बात आप कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, माने जितनी भी काम की बातें होती, हालांकि ये सब बेकाम की बातें हैं, सब कोई काम की बात नहीं है, लेकिन ये सारी काम की बात वो पत्नी समझ के जाती है अपने पति से प्रश्न करने। माता पार्वती के मन में भी कई बातें हैं, प्रश्न हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम की बात नहीं है। माता पार्वती जाके पूछती है, प्रभु तुम पुनि राम राम दिन राती, काम के विषय में नहीं पूछ रही है, पूछ रही है तो राम के विषय में पूछ रही है। सादर जपहु अनंग अराती, ये तो बताइए प्रभु की राम कौन है, ये आप बार बार जिन राम का नाम लेते हैं वो है कौन? प्रश्न तो माता पार्वती भी कर रही है, लेकिन अपने फायदे की नहीं कर रही, अपने परिवार अपने बाल बच्चों के फायदे का प्रश्न नहीं कर रही है। तो क्या प्रश्न कर रही है?
गोस्वामी जी लिखते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह सैल कुमारी। जो सारे जो समस्त संसार के कल्याण के लिए प्रश्न है, माता पार्वती आज महादेव से जाकर के वही प्रश्न कर रही हैं। और एक बात और समझ लीजिए माताओं बंधुओं, अपने आदरणीय से प्रश्न कैसे किया जाए माता पार्वती से सीखिए, जाके सीधे नहीं पूछ लिया, पहले सम्मान में विशेषण लगा रही है प्रभु के, बात शुरुआत नहीं कर रही, कह रही है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणाम। ये सब विशेषण है जो महादेव के लिए लगा रही है। तो महादेव ने कहा देवी क्या पूछना चाहती हो ये तो बताओ। माता पार्वती कहती है प्रभु जौमो पर प्रसन्न सुख राशी जानिए मोही नाथ निज दासी तो प्रभु हरे मोर ज्ञाना और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मुझे भगवान श्री राम की कथा सुना दीजिए, जो जो प्रभु के बारे में आप जानते हो प्रभु वो सब मुझे सुना दीजिए, ऐसी कोई बात क्या मालूम मुझे क्या ना मालूम हो। तो महादेव ने कहा अच्छा ये पहले बता दीजिए कि आपको क्या क्या मालूम है तो मैं वो ना बताऊं। माता पार्वती कहती हैं तो सुन लीजिए प्रभु प्रथम सो कारण कहो बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहे उ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहे उ उदारा कहे उ जथा जानकी विवाही और राज तजासो दूषण काही बन बस कीन है सी चरित अपारा और कहो नाथ जिमि रावण मारा राज बैठी किन्हीं से बहुलीला सकल कहो शंकर सुख शीला बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। माता पार्वती ने 14 प्रश्न किए महादेव से, 14 प्रश्न। लेकिन आप विचार करिए क्या मजाल है कि कोई भी प्रश्न राम से इतर हो, राम के नाम से इतर हो, राम जी के अलावा कोई प्रश्न ही नहीं कर रही है माता पार्वती। ये तो कारण है कि महादेव उनको गोद में बिठा के रखते हैं। भाई जो राम का है वही हमारे महादेव के काम का है, बाकी कोई किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं है हमारे महादेव को। माता पार्वती कहती है एक बात और सुन लीजिए प्रभु, ये तो मैंने पूछा क्योंकि इतना मुझे मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या नहीं मालूम। ध्यान दीजिए, मुझे क्या नहीं मालूम ये मुझे मालूम ही नहीं है, ये आपको मालूम है। तो जाऊं मैं प्रभु पूछा नहीं होई सो दयाल राखौ जनि गोई। उसको मत छुपा लीजिएगा क्योंकि जासु भवन सुर तरु तर होई अरे सही की दरिद्र जनित दुख सोई शशि भूषण असि हृदय बिचारी हरहु नाथ मम संशय भारी। मेरा संशय दूर कर दीजिए प्रभु, आप पर इतना निवेदन है मेरा। महादेव ने कहा वाह देवी वाह देवी। महादेव तो प्रसन्न हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए। हर हित राम हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रसन्न हो गए, सारी कथा महादेव के हृदय में गूंज गई। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, माता पार्वती के महादेव ने उसी क्रम में सारे उत्तर दिए। ध्यान दीजिए सारे उत्तर क्रम में दिए और क्रम में देते देते कहते हैं देखो देवी वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी क्यों होता है जानती हो, कभी वो जय विजय के कारण होना पड़ा उसे,
कभी उसे हिरणाक्ष के लिए होना पड़ा, कभी हिरण कश्यप के लिए उन्हें होना पड़ा, कभी जालंधर के लिए होना पड़ा, वृंदा जी के श्राप के लिए होना पड़ा। कई कारण हैं, मैं किस किस कारण को गिनाऊं आपको, मैं नहीं समझ पा रहा। आखिरी में कहते हैं महादेव, सुनो देवी, मुझे बात तो केवल एक ही समझ में आ रही है कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमी थम कही जात न सोई। केवल एक यही कारण है भगवान के अवतार का, ये मैं नहीं कह सकता और ये कोई नहीं कह सकता। तो कहा, प्रभु कुछ तो बताइए, क्या केवल श्राप के कारण ही भगवान अवतार लेते हैं, कोई तो कारण होगा अवतार लेने का। उन्होंने कहा, हाँ, एक कारण मुझको समझ में आ रहा है हर अवतार के पीछे, हर अवतार के पीछे का एक कारण याद आ रहा है समझ में। बोले, क्या कारण है? महादेव कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, महादेव कहते हैं एक कारण तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करय नीति जाई नहीं बरनी, और सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सजन पीरा, असुर मारी था पहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू, ये जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हे तू। असुरों का संहार करते हैं, संतों की स्थापना करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं, एक अवतार तो एक कारण तो ये समझ में आता है। तो माता पार्वती ने कहा, अच्छा प्रभु ये एक कारण है, तो माताओं बंधुओं एक कारण तो ये समझ में आता है। माता पार्वती ने कहा, यही कारण है क्या? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, एक कारण और याद आया मुझे भगवान के अवतार लेने का। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं महादेव, लेकिन सबसे अंत में किस अवतार के बारे में बता रहे हैं जानते हैं? कहा, देवी जानती हो एक बार भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? कहा, क्यों? बोले, क्योंकि नारद श्राप दीन ये गुबारा, आपके जो गुरुदेव थे ना, आपके गुरुदेव ने श्राप दे दिया था, एक बार श्राप दे दिया था। मालूम है आपको कितनी बेइज्जती, कितना कितना प्रभु को विलाप करना पड़ा था? आज तक लोग वो संशय करते हैं भगवान के लिए, अरे इतने बड़े प्रभु थे तो रोते हुए क्यों घूमे? आज भी माता सती तो ये संशय कर बैठी थी, आपके गुरुदेव के कारण हुआ एक बार, मालूम है आपको? वो नारद श्राप दीन एक बारा, तो कलप एक ते ही लगी अवतारा। क्यों कहा महादेव ने ऐसा, जानते हैं? वो इसलिए कहा क्योंकि कल मैं चर्चा कर चुका हूं, सप्त ऋषियों ने आके कहा था कि नारद जी पे बड़ा विश्वास करते हैं, उन पे बड़ी श्रद्धा है। तो महादेव ने कहा, लाओ इनको बता ही दे कि इनके गुरु जी कितने बड़े विद्वान हैं, भगवान को ही श्राप दे डाले, इतने बड़े विद्वान हैं, कुछ शर्मिंदा होंगी, कुछ लज्जित होंगी अपने गुरु जी के लिए। तो माता पार्वती ने कहा, क्या क्या प्रभु मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया प्रभु को? गिरजा चकित भई सुनी भानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना। महादेव को लगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इनको समझ में आएगा कि इनके गुरुजी बड़ा विद्वान समझती थी, हमसे ज्यादा अपने गुरुजी को मानती थी, अब समझ में आएगा इनको। तो महादेव मुस्कुराए। तो माता पार्वती ने कहा, क्या मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया प्रभु को? हाँ देवी, आपके गुरुदेव ने ही श्राप दिया है। तो माता पार्वती कहती है, यदि ऐसा है ना प्रभु, तो जरूर भगवान ने कोई गलती की होगी। देखिए श्रद्धा, जरूर नारायण की कोई गलती होगी, मेरे गुरुदेव कभी किसी को अनर्गल श्राप दे ही नहीं सकते, कोई गलत काम कर ही नहीं सकते मेरे गुरुदेव, वो तो नारायण ने मजबूर कर दिया होगा किसी बात पे। श्रद्धा अपने गुरु के प्रति इतनी होनी चाहिए माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। माता पार्वती के पति स्वयं कह रहे हैं,
लेकिन माता पार्वती अपने पतिदेव से बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं भगवान बाद में, मेरे गुरुजी पहले। कहा क्या? बोले कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। कोई अपराध क्या होगा उनने? जरूर कोई नारायण ने गलती की होगी। महादेव मुस्कुरा दिए। महादेव ने कहा देवी एक बात बताओ, क्या तुम अपने गुरुदेव को बहुत बड़ा ज्ञानी समझती हो क्या? इस संसार में बहुत बड़े ज्ञानी है क्या वो? अरे हाँ प्रभु, वो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन है? महादेव ने कहा देवी तो एक बात डायरी में नोट कर लो, और आप लोग भी माताओं बंधुओं ये बात अपनी अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा दिमाग की। महादेव ने कहा देवी इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। ध्यान दीजिएगा, स्वामी जी का बड़प्पन है, संतों का वात्सल्य है, उनकी महानता है, तो कुछ कुछ लिख देते हैं मानस सम्राट और ये और फलाना धमाका। माताओं बंधुओं मैं आपसे सत्य बता रहा हूं, मैं कोई इनमें से कुछ कुछ नहीं आता है मुझको, बिल्कुल आपको सत्य आज बता रहा हूं। ये तो प्रभु की कृपा है तब तक चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु चाहेंगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार पाठ की हुई अर्धाली भी अटक जाती है मुंह में, निकलती नहीं है माइक पे। ये तो भगवान, ये सब घटनाएं हैं, ये कोई आप चाह कर नहीं कर सकते ये सब काम। इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। आपको अगर लग रहा है कि जैसे कि कल भी और स्वामी जी का वात्सल्य सब लोग कि भाई देखो महाराज जी खड़े होकर ये कथा सुना रहे हैं और कुछ ये बात पढ़ते नहीं, कुछ देखते नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए अभी तुरंत माइक बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो उस समय मैं कितने भी वेद के पाठ कर लूंगा, कोई माइक चालू थोड़ी होगा। उसके लिए डायरेक्टर साहब फोन लगाएंगे तब मामला बनेगा बगल में, उस समय ये ज्ञानी है। अब मान लीजिए हम और डायरेक्टर साहब पांडे जी निकले घूमने कार में और कार बीच में खराब हो जाए, तो उस समय हम तीनों मूर्ख हैं। उस समय वो जो गाड़ी का मैकेनिक है वो ज्ञानी है। उस समय हम चारों पांचों का कोई कहीं किसी से भिड़ जाए और वो मुकदमा कर दे, तो उस समय हम सब मूर्ख हैं। उस समय ये वकील साहब सामने बैठे क्या सिंह जी, वो ज्ञानी। और कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ने लग जाए किसी के घर में, तो उसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे सहगल साहब उस समय ज्ञानी। उस समय सब मूर्ख हैं। कहने का अर्थ है ना कोई इस संसार में ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जिस समय जिसको चाहे ज्ञानी बना दे और जिस समय जिसको चाहे मूर्ख बना दे। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं महादेव। बोले बिहसी महेश तब कि ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में देवी ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। ये तो जे ही जस रघुपति करही जब सो तस ते ही छन होए।